गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो, आई एम अनूप सर। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 3, फाइबर्स। जनरली फाइबर इज टू टाइप्स, मैडमैन फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ वी हैव टू सीन हाउ डज सिल्क वर्म प्रिपेयर सिल्क थ्रेड्स। सिल्क वर्म्स आर ऑफस्प्रिंग ऑफ मॉथ्स। दे spits out threads from fing holes in their jaws. Tiny friends, hello, I am Anup sir. Today we are going to continue our chapter number 3, fibers. Generally fiber are two types, madman fibers and natural fibers. Natural fibers we get from the plants and animals. Now we get how does silkworm prepare silk threads. Silkworm are offspring of moths. They spew out threads from tiny holes in their jaws, which they use to spin into their eggs, wearing cocoons. This entire production takes a mere 72 hours, during which times they produce between 500 to 1200 silken threads. So generally silkworm prepare silk threads. This is the process silkworm prepare silk threads. Again I explain you, silkworms are offspring of moths. They spew out threads from tiny holes in their jaws, which they use to spin into their eggs, wearing cocoons. This entire production takes a mere 72 hours, during which time they produce between 500 to 1200 silken threads. Means जो silk worm होता है उसके मौत से क्या threads generate करता है, मौत में जो holes होते हैं, tiny holes उसके jaws में होते हैं, उससे क्या करता है, threads spin करता है into their eggs. Like that is known as cocoon. Their entire production takes में 72 hours लगते हैं इस पूरे production को मैनेज करने में, और उसमें कितने 500 टू 1200 सिल्कन थ्रेड्स वो प्रिपेयर करता है. कौन प्रिपेयर करता है? सिल्कबॉम. सिल्कबॉम किस में मिलता है? मलबरी ट्री. किस में मिलता है? मलबरी ट्री. हाउ आर सिल्क थ्रेड्स ऑब्टेन फ्रॉम कोकून. द पाइल ऑफ कोकून्स इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर. हॉट वाटर मेक्स द सिल्क फाइबर्स ऑफ कोकून्स टू सेपरेट आउट. द लॉन्ग silk fiber are obtained from by unwinding the threads from cocoons. The process is taking out silk fibers from the cocoons for use as silk is called the reeling. तो cocoons है उसमें से threads कैसे prepare किए जाते हैं silk thread. It is the process. The pile of the cocoons is placed in hot water. Piles को cocoons को किसमें रखते हैं? Hot water में. Hot water makes the silk fibers of कोकून्स टू सेपरेट आउट ए लॉन्ग सिल्क फाइबर. उसमें वो कन्वर्ट कर देता है लॉन्ग सिल्क फाइबर, उसमें सेपरेट करता है. ऑब्टेंड बाय अनविंडोइंग द थ्रेड्स फ्रॉम कोकून्स. द प्रोसेस एट टेकिंग आउट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड द रीलिंग. इस प्रोसेस नॉन एज द रीलिंग. डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क माउथ. वॉट इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क माउथ. वी सी हियर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ स्टार्ट्स व्हेन ए फीमेल सिल्क मॉथ लेस एग्स ऑन द लीव्स ऑन द मलबरी ट्री. इट एंड्स व्हेन प्यूपा एंटर्स इनटू द एडल्ट स्टेज एंड इमर्स आउट द कोकून्स एज ए सिल्क मॉथ. आफ्टर द फीमेल मॉथ लेस एग्स, द एग्स समटाइम्स कैच इनटू द लीव्स विच इज नोन एज द कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स. तो सिल्क वर्म कैसे प्रिपेयर होता है, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. फर्स्ट ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ स्टार्ट्स व्हेन द फीमेल सिल्क मॉथ लूप्स फीमेल सिल्क मॉथ लूप्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री. द एंड विच द प्यूपा एंटर्स इन टू द एडल्ट स्टेज में आता है एंड इमर्स आउट द कोकून एज ए सिल्क मॉथ. आफ्टर द फीमेल मॉथ लेस एग्स एंड एग्स समटाइम्स एज इनटू द लीव विच इज नॉन एज द कैटरपिलर्स
or silkworms. It is the life structure or life history of silk moth. If anybody have any query regarding the silk moth or about the silk, then ask me on comment box.